मतलब ये है कि यार वो डालेंगे तो 2 4 दिन में खुदा ना खासा डूब जाएंगे। शेयर की भाई 10 से कभी 1 रुपये पे नहीं आएगी, इसमें डेली बेस के ऊपर 5% तो 7% का कैप मतलब होता है साढ़े सात सेवन पॉइंट उसमें। 5% और 1 रुपी बेचे बदे सारे। हाँ ठीक है, इतना की कैप होता है कि आप अगर नीचे भी गया तो 1 रुपये का आपको लॉस होगा। अगर आप निकलना चाहें, आप नहीं काम करना चाह रहे, आप उतना लॉस बेयर करके आपको निकल सकते हैं। अगर आप उसको रिटर्न रखें, जो नीचे गया उसने ऊपर तो आना ही है, कभी नहीं हुआ तो नीचे इसमें गया। कहते मार्केट प्राइस होंगे फिर उसमें 1 रुपये का लॉस होता है। जिस तरह देखें अभी आज मार्केट क्रैश करेगा ना, 1000+ से ऊपर है, तो इसमें वो वही है कि इसमें जो आपको मैक्सिमम लॉस हो रहा होगा 1 रुपये के लिए। तो हाँ हाँ मैक्सिमम लॉस आपका पर डे का 1 रुपये ठीक है। तो सर इस कंडीशन वन में शॉर्ट ईयर और सेलिंग 7.5 जी, बिल्कुल कर शॉर्ट सकते हैं, सेलिंग तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर हाँ सकते जी शॉर्ट सेलिंग तो आप कर सकते हैं, मगर अभी नहीं, अभी इस हैं। तरफ सर पूछ आएंगे सकते जरूर। हाँ हैं? हाँ 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 जी बिल्कुल कर आप सकते पूछे हैं। जी आपका है। अच्छा जी ये तो कुछ होगी, दूसरी चीज है अब यह है कि हमारे पास टूल इक्विपमेंट क्या सर्विसेज क्या चीजें हैं हमारी। तो वो है हमारे पास जो क्लाइंट सर्विसेज हुआ है, प्रीमियम एडवाइजरी सर्विसेज है वो, मेरा ख्याल है कि आप ऑब्जर्व कर गए। प्रीमियम कहते हैं इसी को, कि आप किस अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स करते हैं। रियल टाइम ट्रेड गाइडेंस आई टी सपोर्ट ड्यूरिंग मार्केट सेशन, आई टी सपोर्ट इज वेरी मच डिजायरेबल फॉर दो सर्विसेज हु रिलेटेड टू दी आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर। हर बंदा आई टी का माहिर नहीं होता ठीक है। जब आपने आई टी ये है इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट की, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात होगी, इसमें आपके आई टी सॉफ्टवेयर भी आएगा, हार्डवेयर भी आएगा। तो उसके लिए आपके पास अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए आई टी की इस प्लेटफॉर्म पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रियल टाइम है, जैसा ट्रेड गाइडेंस आई टी की सपोर्ट भी है, 24/7 सपोर्ट, ऑनलाइन क्लाइंट पोर्टल है, यानी जो क्लाइंट हमारा आता है उसका ऑनलाइन पोर्टल दिया जाता है, वो किसी वक्त भी बैठ के ऑनलाइन जितना वेबसाइट के ऊपर अपने क्लाइंट अपने अकाउंट में हिसाब का चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी मैंने कितने पैसे जमा करवाए थे, क्या बाय किया, कितने पे किया, कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट आया, क्या चार्जेस और लगे, कमीशन वगैरह कितना बनी, जो भी दूसरी चीजें सब सारी अकाउंट में इंट्री। अच्छा इसके इसके साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ क्लाइंट के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, जैसे ही उसके अकाउंट में कोई एक्टिविटी होती है उसको SMS शुरू हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अभी मार्केट क्लोज हुई है ना, स्टॉक मार्केट जब क्लोज होगी वहां से तो हम भी अपना सिस्टम क्लोज करेंगे, तमाम ब्रोकर क्लोज करते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ से जब क्लोजिंग आती है डेली। अभी क्लोजिंग ही आई है उसकी तरफ से, 3:30 बजे मार्केट बंद होगी है, पोस्ट सेशन के ऊपर तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट क्लोज होने के बाद डे एंड जब होता है ना, तमाम क्लाइंट्स को आज के दिन की डे ट्रेड जो एक्टिविटी हुई ना सारी की समरी भी चली जाएगी, देखें एक SMS भी जा रहा है, फिर एक समरी भी जा रही है, फिर उसके बाद उसका टोटल पोर्टफोलियो और उसका लेजर बैलेंस, इसका पोर्टफोलियो जो शेयर पड़े हैं किस वैल्यू पे, कितने कितने शेयर पड़े हैं, और उसके बाद उसका इस वक्त कैश कितना लेजर में पड़ा हुआ है, ये डेली की डेली जाता है। अच्छा यहाँ तक नहीं है बात रुकती, उसको फिर एक ईमेल जाती है, कंफर्मेशन ईमेल जाती है कंपनी की तरफ से, वो कंफर्मेशन ईमेल में वो सारी आज की ट्रेड एक्टिविटी होती है, ये मंडेटरी है, ये मंडेटरी है, ये अगर ना हो तो स्टॉक मार्केट फौरी तौर पे लाइसेंस कैंसिल कर देगी नॉन कंप्लायंस में आने की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% कंप्लायंट हैं, क्योंकि ये अभी एक बटन दबाने की बात होती है, जो भी ब्रोकर नॉन कंप्लायंस में आता है वो पीछे से ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। अगर हमारी खुदा ना खासा ट्रेडिंग बंद होती है तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स काम करें वो काम नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर है एक बटन ही दबाना है बस। तो आगे बढ़ते हैं, रेगुलर अपडेट्स है, कॉम्प्लेंस सिक्योरिटी वगैरह वो सारा जो काम रिसर्च टीम वगैरह करती है वो आप लोगों को समराइज करके दिया जाता है, 8 10 बंदे 4 6 घंटे में अपना काम सारा करते हैं, वो सारे हम आपको अपडेट्स दे देते हैं, आज मार्केट में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या हुआ, न्यूज कैसी चल रही है, ताकि आप भी बी अवेयर रहें कि यार आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास भी एटलीस्ट सर्टेन लेवल तक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। अच्छा उसके बाद बोर्ड मीटिंग, इन्वेस्टर थ्योरी, पोर्टफोलियो डिजाइन, इन्वेस्टमेंट चेरीज वगैरह, ये आगे चल के इसको एलेबोरेट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एज भी है हमारा, इस वक्त जो हमारी एप्लीकेशन है वी ट्रेड एप्लीकेशन है, जो फोन के ऊपर भी अवेलेबल है, विंडोज के ऊपर भी अवेलेबल है, वो इस वक्त यूजर फ्रेंडली और सबसे रोबस्ट है। यूजर फ्रेंडली इस तरह है कि आपने उसको जस्ट
डाउनलोड करना इंस्टॉल कर लेना। वेयरएस के वी ट्रेड के अलावा जितनी ट्रेड ऐप है पाकिस्तान में सबके लिए एनवायरमेंटल, किसी के साथ डॉटनेट इंस्टॉल करना होता है, किसी के साथ जावा इंस्टॉल करना होता है, जावा को कॉन्फ़िगर करना होता है, डॉटनेट को कॉन्फ़िगर करना होता है। क्वालिटी का बंदा है तो समझ रहा होगा मेरी बात को, मतलब ये कि मैं अगर हूँ जनाब टेलर मास्टर हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं स्टॉक मार्केट में अकाउंट भी खोल लूँ, तो मुझे जब अकाउंट खुले तो मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मुझे इतना पता कि यार मैंने गूगल पे भी एंड्रॉयड के ऊपर भी जस्ट मैंने ऐप डाउनलोड करी इंस्टॉल होगी, तो इस तरह यही होगा। अब मैं करके ऐसे करता हूँ सिस्टम आगे कहता नहीं डॉट नॉट इतना चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार किस ऐप में पा रहे हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली है जस्ट क्लिक करें और आपका काम हो गया। तो ये हमारी ट्रेडिंग ऐप इसी तरह की है, और एफिशिएंट इस सेंस से, रोबस्ट इस सेंस से कि जो स्टॉक मार्केट में सिस्टम चल रहा है, जो सारा निजाम चल रहा है ना, उसकी एक फीड जनरेट हो रही है, डेटा आ रहा है। अक्सर एप्लीकेशन एप्स के ऊपर वो डेटा जो है वो डिले है, तो यहाँ पे तो सेकंड क्या माइक्रो सेकंड में डेटा डिले हो जाए तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, रेट निकल जाता है ना। तो ये हमारी टाइम टेस्टेड है, सबसे एफिशिएंट एप्लीकेशन है इस वक्त जो मार्केट में हम यूज कर रहे हैं। ये वेबसाइट जो पोर्टल आप कह रहे हैं उसपे भी सेम एक्टिविटी हो रही है, ऐप पे भी वो सेम होता है, ऐप पे भी देख सकते हैं हम शेयर वगैरह पोर्टफोलियो। हाँ, ऐप के ऊपर भी सारा कुछ आप देख सकते हैं, बट जो आपका ऑनलाइन होता है ना, ऐप की अवेलेबिलिटी होती है ड्यूरिंग मार्केट सेशन, 24/7 नहीं होती। वो आप मार्केट बंद हुई है ना, तो अभी ये 5 साढ़े 5 बजे तक ऐप अवेलेबल होगी। सिस्टम PSS के भी सारे डाउन हो जाते हैं, हम भी अपने सिस्टम सारे डाउन कर देते हैं। बस हाँ, मगर जो आपकी लाइव वेबसाइट होती है उसको होस्टेड होती है। ऐप में आपको सटन आपका करंट अप टू डेट डाटा मिलता है, मगर आपका जो पोर्टल है ना उसमें आपका हिस्टोरिकल डाटा पड़ा होता है। अगर आप 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो 5 साल का डाटा वहां पड़ा होगा, सारे का सारा जो आप ट्रेड हिस्ट्री वहां पे थी जी। उसके बाद एक ये सबसे जो बड़ा फीचर है हमारे पास जो दूसरों से मुख्य, हमारा PSS गेटवे इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। हमने जो PSS की सबसे बड़ी सर्विस है ना IT की, वो ली है सबसे बड़ी सर्विस। दूसरों ने छोटी छोटी सर्विस ली है, जब छोटी सर्विस होगी तो वो उसमें आपको पता है कि चीनी शक्कर वगैरह भी इतनी होगी, कम पैसों की होगी। तो हमने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ अपने पास, PSS का गेटवे लिया हुआ है। ऑप्टिक फाइबर के हमारे लिंक है सारे के सारे, जिससे हम हमारे अक्रॉस द कंट्री के अक्रॉस द ब्लॉक, रोशन डिजिटल के भी हमारे माशाल्लाह से काफी क्लाइंट है, RDA के क्लाइंट्स, वो भी कनेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सर्टिफाइड है 100% कंप्लाइंट विद SECP, सिक्योरिटी कमीशन और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी हम कंप्लायंट है। इसका मतलब ये है कि वो डाउट में निकल गया कि यार मेरी कोई हैकिंग ही ना हो रही ट्रेडिंग की, मेरा कोई और काम ही ना हो रहा। तो ये लवाजमत हमने अपनी एंड से पूरे किए हैं। अब आते हैं ग्लोबल प्रेजेंस, हम पाकिस्तान में नहीं, हम पूरी दुनिया में, मैंने जो पहले बता दिया कि रोशन डिजिटल अकाउंट के भी हमारे बेशुमार क्लाइंट्स हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट तो अब आया, पहले स्टेटस होता था रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंट का, जो मतलब कैंडल होता था वो उस क्लाइंट की टाइप होती थी रेजिडेंट, और जो मुल्क से बाहर होकर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता था वो नॉन रेजिडेंट होता था, एनआरपी नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में। ठीक है जनाब, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कोई? जैसे एक सवाल है कि सपोज हम किसी स्टूडेंट को अप्रोच करते हैं, वो इंटरेस्टेड भी है, तो हम उसको मिनिमम कितना स्टार्टिंग सजेस्ट करें, कुछ से स्टार्ट दें। जैसे एक है कि सपोज हम किसी को 25,000 सजेस्ट कर देते हैं, तो कुछ चार दोस्त मिलके 1 लाख से एक अकाउंट से स्टार्ट करें, या हाँ, चारों अलग अलग अपने 25,000 से। इसमें देखें होता ये है कि कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, बेहतर तो ये है कि 4 लोग अपना 25-25 हजार का अकाउंट खोलें, बट अगर उनका कंफर्ट लेवल ऐसा है कि वो